सो नमस्कार दोस्तों, अभी अभी जो है BHU एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि आपका जो है फॉर्म कब रिलीज होगा और साथ ही साथ जो आपका एग्जाम कब होने वाला है। सो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आज का पेपर है, जहाँ पे दिया गया है कि इस साल जो पूरी तरह से आपके जो एग्जाम होने वाला है BHU का, वो डिजिटल मोड में होने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड में होने वाला है। उसी के साथ एक और यहाँ पे चीज़ है कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थानीय स्तर पे जो है ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा कराने की भी पर विचार किया जा रहा है, यानी कि स्थानीय स्तर यहाँ पे जो है वाराणसी के अंदर जो है यहाँ पे जो है पिछले साल भी आप देखेंगे कि ऑफलाइन मोड में ही जो है आपका एग्जाम हुआ था। तो यही साल भी जो है कोशिश किया जा रहा है कि एटलीस्ट बनारस के अंदर जो है ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम हो जाए, कराया जाए। सो खैर उससे कोई मतलब नहीं है आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम हो। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि फॉर्म आपका जो है कब रिलीज होने वाला है, ठीक है। बिकॉज फॉर्म मेन जो आप सब चीज़ लोग पूछना चाहते थे, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार अगस्त के पहले सप्ताह में किसी भी दिन सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं के फॉर्म जो है BHU के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है आपको किसी भी दिन आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा। और इसी के साथ एक चीज़ और आप नोट करेंगे कि यहाँ पे जो है NTA का कहीं जिक्र अभी तक तो नहीं हुआ है कि आपका जो है फॉर्म है वो NTA की वेबसाइट पर रिलीज होगा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपका जो है BHU की वेबसाइट पर जो है आपका रिलीज फॉर्म जो है BHU की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं BHU की वेबसाइट पर रिलीज होगा, यानी BHU online.in जो फॉर्म है उसी पर जो आपका फॉर्म रिलीज होने वाला है। सो आई होप कि यहाँ तक जो आपको फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। और वहीं अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है यहाँ पे देखें प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के अधिकतम 15 दिन के समय होगा, यानी फॉर्म रिलीज के बाद आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा जिसके अंदर जो है आपको फॉर्म भर देना है। और आपके एग्जाम्स जो है कि कब तक क्लियर हो जाएंगे, मतलब एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए एग्जाम जो है यहाँ पर एग्जाम के बारे में बताया गया है कि सितंबर के मध्य तक सभी प्रवेश परीक्षा कराने के बाद माह के अंत तक परिणाम घोषित कर दिए जाए होंगे, यानी आपके मिड सितंबर तक जो है आपका एग्जाम जो है सारे सब्जेक्ट्स के जो है हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है आपका एग्जाम जो है स्टार्ट होने का मैक्सिमम चांसेस है कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त से, यानी अगस्त के लास्ट वीक से जो है आपका एग्जाम जो है अलग अलग जो है मतलब कोर्सेज हैं उनके जो है मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाएंगे। और 15 तारीख से जैसे आप देख सकते हैं 15 दिनों के अगले 15 सितंबर तक जो आपका एग्जाम जो है मिड सितंबर तक जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यानी आपके लास्ट अगस्त से, मान के चलिए अगस्त के लास्ट वीक से जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम इस साल जो है चालू हो जाएगा BHU का। और जो है ऐसे में जो आपके पास हम बात करें टाइम का, तो टाइम आपके पास बहुत ही कम है, यानी फॉर्म रिलीज होने के जो है एक महीने के अंदर ही जो है आपका एग्जाम जो है आप मान के लीजिए आपके पास लोग मैक्सिमम जो अभी समय है वो 30 से 40 दिन का जो है आपके पास समय बचा हुआ है अभी। तो अभी से जो है आप बहुत ज़्यादा जो भी सब्जेक्ट आपका है जिस भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं उसका जो तैयारी बहुत ही अच्छे से जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। और खास करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी लगाना बहुत मस्ट है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है लगाना चालू कर दीजिए अभी से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।